भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश की राजधानी दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी के आजादपुर के अंदर आज शेड नंबर 13 पर मजदूरों ने इकट्ठे होकर की 5 घंटे की हड़ताल। सुबह 5 बजे से हुई हड़ताल 10 बजे तक चली। इसी दौरान सबसे ज़्यादा बिकावली मंडी में होती है। थोक में माल खरीदने वाले लोग सुबह 5 बजे ही मंडी पहुँचते हैं, लेकिन आज वहाँ पर हड़ताल होने की वजह से सामान गाड़ियों से ही नहीं उतरा। बिकना तो दूर की बात, बड़ी मात्रा में तो फल और सब्जियाँ गाड़ियों में लंबे वक्त तक बंद होने के कारण खराब हो गई, और जो सामान बाद में गाड़ियों से उतारा गया वह सामान अब ग्राहक न होने के कारण शाम तक नहीं बिक पाएगा और व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान होगा। आज मजदूरों की हड़ताल की वजह से लाखों रुपये का नुकसान व्यापारियों को हुआ। व्यापारियों का कहना है कि जो मजदूरों की समस्या है वह समस्या व्यापारियों की भी है और खरीदारी की भी है। मजदूरों की मांग है कि आजादपुर मंडी के अंदर यहाँ सामान उतारने के लिए कई खाली जगह नहीं रही, जगह जगह पर अवैध कब्जे हो गए हैं। अवैध कब्जे होने की वजह से मजदूर गाड़ियों से सामान नहीं उतार पाते, ड्राइवर अपनी गाड़ी नहीं लगा पाते, सामान उतारकर मजदूरों को चलने तक नहीं जगह नहीं मिलती, ऐसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। इसी बात से नाराज APMC प्रशासन के खिलाफ हड़ताल की थी। इस हड़ताल को व्यापारियों ने भी जायज बताया और कहा कि व्यापारी भी इसकी कई बार शिकायत APMC को कर चुके हैं, लेकिन मंडी का प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या की तरफ ध्यान दे। आप देख रहे थे न्यूज़9 भारत के लिए, देश की राजधानी दिल्ली से संजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। समस्या तो बहुत बुरी हुई है, हद से ज़्यादा बुरी हुई है। तो मेरे माल आया 5 बजे और 12 बेचने बेचने का मौका दिया है, तो मेरे ग्राहकों को टाइम होता है, ले जाते हैं लोग, दुकानदारी करते हैं, ग्रोवर के पैसे बनते हैं, व्यापारी के पैसे बनते हैं। इस टाइम हमारे पास कौन आएगा, कौन सा खरीदार आएगा? हमें इतना तंग किया है जगह के लिए, इतनी परेशानी दी है APMC वालों ने। आज हड़ताल होने से कितने की नुकसानी है? आज के तूफान में कम से मेरे हिसाब से 20-25 लाख का होगा। 20-25 लाख का नुकसान होगा सबका, प्लस ही होगा। हाँ, इस बारे में क्या आप लोग APMC अधिकारी से बात करने की कोशिश करी थी? अब उन्होंने बोला कल सोचेंगे कहाँ जगह देंगे कहाँ नहीं देंगे, लेकिन आज जो नुकसान हुआ है बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हम यहाँ पे 35-40 साल हो गए, 35-40 साल हो गए। पहले भी कभी समस्या ऐसी आई थी? पहले तो नहीं आई थी, 9 नंबर चैट में। ये समस्या आगे क्यों खड़ी हुई? हाँ, समस्या पूछ रही है, ये समस्या क्यों खड़ी हुई है? ये अचानक आई है, आज ही आई है। इसके क्या मतलब है? APMC अधिकारी मिली भगत में गया है? हाँ, APMC कोई अधिकारी इसका ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अब देखो उनकी गलती है या किसकी गलती है वो तो APMC जाने। जगदीश कुमार, जगदीश जी, क्या समस्या आई है कि आप मंडी में? मेन सर समस्या जो है ना, हमारे को इस टाइम जगह की प्रॉब्लम है। जगह की वजह से जो है ना व्यापारियों का माल खराब हो रहा है। आज सवेरे से 5 बजे से हड़ताल करी हुई थी लेबर ने जगह के चक्कर में, अभी हड़ताल खुली है। तो हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि गवर्नमेंट से कि APMC वालों को जो हम मार्केट फीस देते हैं, अगर वो हमारे साथ में ऐसे अत्याचार करेंगे, ग्रोवर अगर मरेगा तो ग्रोवर के साथ हम लोग भी जुड़े हैं और हमारे साथ सारा समाज जुड़ा हुआ है, तो A to Z हर आदमी परेशान हो जाएगा। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हम लोगों को तंग ना किया जाए और ग्रोवर के लिए भी कुछ सोचा जाए। सर, आपने 4 बार हड़ताल किए थे लेबर, तो कितने का नुकसान हुआ है? आज 8% लाखों रुपए का नुकसान है, आज की डेट में लाखों रुपए का नुकसान है। इस मामले में आप अधिकारी से बात करने की कोशिश करी? नहीं, अभी तो हम लोग सुबह से इसी समस्या में लगे हुए थे कि किसी तरह से मार्केट खुल जाए और हम व्यापारियों का कुछ ना कुछ नुकसान बचा सके, उनका माल सेल करें। अब दोपहर को हम बात करेंगे अधिकारियों से। पहले भी आप लोग APMC अधिकारी से बात करने की? बिल्कुल, पहले भी हम लोग हर साल कुछ ना कुछ ये पंगा होता है, हर साल उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को तंग ना किया जाए, इसमें ग्रोवर मर रहा है, क्योंकि ग्रोवर मरेगा तो समझो हम लोग मर रहे हैं। हरीश कुमार, हरीश जी, क्या समस्या आई है कि आपको मंडी में हड़ताल की? ये फलों की समस्या है, जगह है नहीं, माल आता है माल उतार नहीं पाते, ड्राइवर भी परेशान होता है, खरीदार भी, आड़ती सारे परेशान होते हैं जी। हम
और ये आज कल समस्या नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। इसके बारे में आप लोग शिकायत कर रहे हैं जनाब? हमने मेरे ख्याल से हर साल हमारी एसोसिएशन के निवेदन में एपीएमसी में जाते हैं, हर साल ये प्रॉब्लम आती है और क्या इसका मसला हल अभी तक नहीं हो पा रहा, कई सालों से ये चल रहा है। आप लोग आज हड़ताल में कितने का नुकसान हुआ? लाखों रुपए का नुकसान है। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, ये एपीएमसी है इसका जिम्मेदार। इसके बारे में एपीएमसी से आप लोग शिकायत करें? आज हमारे नुमाइंदे जाएंगे, हमारी एसोसिएशन के बंदे जाएंगे वहाँ पे, आज बात करेंगे उनसे। क्या पहले भी बात की है तो उन्होंने क्या बस वो तो आश्वासन देते रहते हैं, ऐसे ही काम चल रहा है, नुकसान होता जा रहा, काम चलता जा रहा। अगला कड़ी आप लोगों का क्या रहेगा? अब देखते हैं आज जो फैसला हमारी एसोसिएशन लेगी, फिर उसके ऊपर कल डिसीजन लेगी हमारी एसोसिएशन की हड़ताल रहेगी या मंडी खुलेगी। एपीएमसी से हमेशा डिमांड करते रहे, हमारे को जगह की दिक्कत है, मगर एपीएमसी के कानों पे जूनी नहीं रही, ना वो हमारी सुन रही है बात। आप लोग कब से व्यापारी कर रहे हैं, आज हड़ताल करने के क्या वजह है? मेरी फर्म 40 साल से मंडी के अंदर कारोबार कर रही है, ये थर्ड जनरेशन हम काम कर रहे हैं मंडी के अंदर, और जगह की हर साल दिक्कत आती है, हम डिमांड करते हैं मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे नुमाइंदे हमारी एसोसिएशन ने बात की है कई बार मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सर आश्वासन मिलता है, फाइनल कुछ भी नहीं होता, ना जगह कोई दी जा रही है हमारे को। आपका फर्म का क्या नाम है? सुंदरदास एंड सन्स। आपका नाम क्या है? सुनील चौधरी। सेट नंबर क्या है? नौ नंबर शर्ट पे माल बेचते हैं आज वहाँ। तेरह तेरह नंबर शर्ट। आपका